राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम बछबारस, जिसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं, की सरल पूजा विधि देखेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछबारस की पूजा की जाती है, यानी बछड़े सहित गौ माता की पूजा की जाती है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए करती हैं। तो देखिए, मैंने गौ माता को विराजमान कर लिया है। आप चाहे तो गेरू से या हल्दी से चौकी पर या कागज पर गौ माता, साहूकार के बेटे बहू सभी को बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप बछड़े सहित गौ माता की मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। तो हम जल से छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम दीप धूप जला लेंगे। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी से तिलक करना जरूरी होता है। इसके बाद हम रोरी से तिलक करेंगे। इसके बाद हम मौली अर्पित करेंगे। आप गौ माता को चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। आप ये पूजा गौशाला में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास गौ माता है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब हम फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद ये देखिए, आज के दिन गौ माता को भिगे हुए मोठ, बाजरा, मूंग, काले चने, बाजरे की रोटी, बाजरे के आटे की लोई बनाकर ये सभी चीज़ें गौ माता को भोग लगाया जाता है। मेरे पास अभी नहीं थे तो मैं चने का भोग लगा रही हूँ। इसके साथ ही हरी चीज़ों का भी भोग लगाया जाता है। तो मैंने खीरे और अमरूद लिया है। इसके साथ गुड़ या चीनी का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं ताकि पूजा में जो कमी हुई हो वो पूरी हो जाए। इसके बाद हम धूप दीप से गौ माता की आरती कर लेंगे और हाथ जोड़कर गौ माता से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम हाथ में बाजरा या चने लेकर कथा सुनेंगे। कथा के बाद हम गौ माता के पास जो हमने हाथ में लिया है वो अर्पित कर देंगे। इसके बाद ये देखिए, हमें आज के दिन दान जरूर करना चाहिए। तो आपने जो सामग्री ली है पूजा में, उसका हमें दान करना होता है। इसके साथ कुछ दक्षिणा रखकर गौशाला में या किसी ज़रूरतमंद को दान करें। बारस के दिन गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाई जाती है और ना ही कोई कटी हुई सब्जी बनाते हैं, यानी चाकू का इस्तेमाल हमें उस दिन नहीं करना चाहिए और ना ही गाय के दूध, दही, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से घर पर बछबारस की पूजा कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।